मैं ढाका में पैदा हुआ और आफ्टर 71 के बाद हम कराची में आ गए. मेरे वालिद एक बिजनेसमैन थे और उनका भी फ़नून लतीफ़ा, वो शायरी करते थे और हमारे घर में मुशायरे और ये, और शायरों से उनकी दोस्ती और राइट कुछ लिखते भी थे. मेरे आर्ट के करियर कुछ इस तरह से है कि जैसे अमूमन जो एक बड़ा हमेशा होता है कि बचपन से ही शौक था, वो आर्टिस्ट आपको पता है हर बच्चे के अंदर या हर बच्चा एक आर्टिस्ट होता है, उसको डेवलप करने की बात होती है. जब मुझे अपने करियर को आगे देखना था मुझे क्या करना है, तो मुझे आर्ट में ही करने का यानी आगे बढ़ने का शौक था. और मेरी मुलाकात इकबाल मेहदी साहब से हुई और वो हम नाजमाबाद में रहते थे, तो हमारे मोहल्ले में हमेशा हम उनको आते जाते और उनका स्टूडियो जो है वो देखते रहते थे. मेरी जो ट्रेनिंग एज एन आर्टिस्ट जो थी वो एज अ पोर्ट्रेट पेंटर थी और मैं पोर्ट्रेट ही करता था, लेकिन और ज़्यादातर कमीशन काम ज़्यादा मैंने किए. लेकिन फिर मैंने अपनी एग्जीबिशन और अपनी जो चीज़ मुझे दिल कहता था और मेरा इंक्लिनेशन जो मेरा झुकाव था वो ज़्यादातर मेरा फिगरेटिव आर्ट और इस तरह पे एब्स्ट्रैक्ट फिगरेशन ये वो इस पे मुझे ज़्यादा मेरा दिल लगता था. तो फिर मैंने अपने आप को मैं इवॉल्व होके मुझे पता लगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ, तो मैंने फिगरेटिव काम और ये चीज़ें शुरू की. मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी एक थीम पे मैं काम नहीं करता. मेरे ज़्यादातर जो काम है वो मैं किसी भी चीज़ से इंस्पायर हो जाऊं, या किसी फोटोग्राफ से या किसी वाक़े से, या मैं मुझे फिरने का बहुत शौक़ है. मैं कराची में मुख्तलिफ पुराने इलाके चीज़ें और लोगों को स्टडी करता हूं. जिस तरह मेरा मलंग सीरीज़ है, मैं उनको एम्प्रेस मार्केट या ली मार्केट या कराची के ऐसे इलाकों में जाता हूं और मैं सुबह का वक्त काफ़ी ऐसे मुख्तलिफ जगह जाके गुजारता हूँ, मज़ारों पे और इस तरह जाके. मैं मेरा मकसद होता है लोगों को स्टडी करना. मेरे जो इलांगेटेड फिगर है वो मेरी स्टाइलाइजेशन है, कि वो मेरा एक टूल है कि मैं उससे डिपेक्ट करता हूँ कि मुझे क्या कहना है. मैं मुख्तलिफ मीडियम्स में काम करता हूँ. मैं ऑयल एंड कैनवास, ऑयल एंड एक्रिलिक, इसके अलावा मैं वुड पे लकड़ी के जो तख्ते जिनको कहते हैं, या ज़्यादातर मैं टीक वुड इस्तेमाल करता हूँ और पुरानी लकड़ी या वुडन बॉक्सेस, कैनवस, पेपर, कोलाज, एक्रेलिक, बहुत सारी चीज़ें जिस चीज़ से मुझे जो चीज़ बात कहनी है वो मुझे मदद दे, मैं वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ. मेरे लातादाद इंटरनेशनल और नेशनल ग्रुप शोज़ हैं. मैं 86 से मुख्तलिफ ग्रुप शोज़ में पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी मैं हिस्सा लेता रहा हूँ. इसके अलावा मेरे कोई 9-10 के करीब सोलो शोज़ मैंने किए हैं मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के और बाहर. सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपने गार्डन पे जाता हूँ. और
मैं अपने फूल पौधे और मैं खुद भी इसमें काफ़ी मुझे शौक है वो मैं देखता हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे खुशी उसी से होती है, वो मेरा बूस्ट अप है एक तरह का, मेरी एनर्जी लेवल बढ़ाती है। कुछ रीडिंग करता हूँ, सोशल कभी कभी मैं बहुत ज्यादा सोशल होता हूँ, मैं बहुत जगह जा रहा होता हूँ, कुछ इस तरह के भी मेरे हिस्से आते हैं जिसमें मैं बिल्कुल तन्हाई पसंद करता हूँ और अपने काम के हवाले से, और मैं आना जाना मेरा बहुत कम हो जाता है और मेरी एक्टिविटीज़ ज़्यादातर घर और स्टूडियो के दरमियान ही रहती है। अक्सर जो यंग आर्टिस्ट हैं और अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनके साथ मेरी बहुत इंटरेक्शन रहती है और मैं काफ़ी लोगों को मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स और मुख्तलिफ एनसीए के या कराची स्कूल ऑफ आर्ट या इस तरह से काफ़ी लोगों से मेरी इंटरेक्शन रहती है और मुझे बड़ा मज़ा आता है उनसे बात करके और बहुत कुछ सीखने का मिलता है उन लोगों से। उनके लिए कोई पैगाम तो नहीं है लेकिन मेरी उनसे बात भी होती रहती है। फोकस रहे, फोकस तो रहना सबसे ज़रूरी है। इसके अलावा इंस्पिरेशन ज़रूर लें, किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करें, अपना स्टाइल बनाएं और एग्जीबिशन ज़रूर करें। मेरा जो आर्ट कलेक्शन है वो किसी पर्टिकुलर थीम या कोई किसी इन्वेस्टमेंट पॉइंट या कोई सिर्फ नाम की वजह से नहीं है। मुझे जो काम पसंद आता है मैं उसको अपने पास लगाता हूँ, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, जो मुझे अच्छा लगता है।